आपके बयान से? मैं भी तो मरवाहत हूँ। वो हमको कहते हैं किसके कहने पर कह रहे हैं, किसके इशारे पर बोल रहे हैं, बताइए जरा। हमने संविधान का शपथ लिया है, हमने मर्यादा का भी सब लोगों का ख्याल रखते हैं, आज लंबे समय से हम ख्याल रखते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अधिकारी झूठ बुलवा रहे हैं आप लोगों से। अधिकारी कोई झूठ नहीं बुलवाया, जो भी अधिकारी ने कहवाया हमारे द्वारा वो सही था और सही है। बीजेपी को बधाई देंगे जीत के लिए? जो लोग जीत के आए हैं सबको बड़ी बड़ी शुभकामना। प्रजातंत्र में तो हेकल करना चाहते हैं, अपनी असत्यता से सत्यता प्रमाणित करके बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कल अखबार टेलीविज़न और आप टेलीविज़न के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को भी उन्होंने बताया कि सदन में जो सरकार है वो गलत जवाब देती है, सदन को गुमराह करती है। तो हम तो सही जवाब दे रहे हैं, आप मान रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े दे रहे हैं। और सदन के अंदर भी उन्होंने कहा और सदन के बाहर भी मीडिया के सामने भी बात रखी, तो हमने आज अपनी बात को रखा सदन के समक्ष। स्पीकर साहब से हमने आदेश लिया और मैंने कहा जो मैंने कल आंकड़े दिए थे वो सही है। तो उनको बिहार की जनता को बताना चाहिए था कि मंत्री ने जो कहा वो सही था, हमने जो वेबसाइट देखा था या खोला था वो वेबसाइट गलत है। और वो दबाव बनाना चाहते हैं सदन में, दबाव बना करके वो चाहते हैं कि जो हम चाहे वो हो। तो सदन ऐसे नहीं चलता है, सदन नियम से चलता है, नियमावली से चलता है, परंपराओं से चलता है। और हम लोग लंबे समय से वो कहते हैं कि किसके इशारे पर आप बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ मैं किसके इशारे पर बोल सकता हूँ, मैं किसी के कृपा पर नहीं आया हूँ, मैं बिहार की जनता की कृपा पर आया हूँ। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से जो सीखा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हमने काम किया है, हम उसको सीख करके यहाँ तक आते हैं। तो हमको चुनौती दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, तो श्रवण कुमार धमकी से डरने वाला तो थोड़ी है। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं और सबका हमने मुकाबला किया है और हंसते हंसते किया है। तो हमारी बात को भी आप जनता तक पहुँचाइए कि दबाव से सदन नहीं चलता है, दबाव से सरकार नहीं चलती है। और नीतीश कुमार का शासन है, यहाँ फरेब करने वाला, गड़बड़ी करने वाला, गलत चीज़ पेश करने वाला ये सरकार नहीं है, वो दूसरी सरकार थी जो सरकार चली यूपी में। जननायक कर्पूरी ठाकुर से सीखा है, लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन से निकले हुए व्यक्तियों में से है। श्रवण कुमार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, लालू यादव के नेतृत्व में भी काम करने का मौका मिला है, लेकिन कभी भी मैंने अपने जीवन में असत्य का सहारा नहीं लिया। और असत्य का सहारा लेकर आज इस सदन में मैं सातवीं बार लगातार जीत करके आया हूँ। अगर असत्य का सहारा लेता तो एक बार दो बार जीतता, लेकिन सत्य का सहारा बिहार के बड़े पंचायत में हमने सात बार जीत करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ये बिहार की जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का प्यार है और मैं समझता हूँ जो मैं सत्य बोलता हूँ उसी उसका ही परिणाम है। कल जो प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया था और उन सवालों का जवाब मैंने दिया है, लिखित भी दिया था और बाद में मैं खुद भी मैंने कहा, जो पूरक सवाल उन्होंने उठाया उस पर मैंने कहा कि जो मैंने जवाब आपको लिया है वो सही है। और अगर आपको लगता है कि आंकड़े गलत हैं तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और एक सप्ताह में हम फलाफल से सदन को अवगत कराऊंगा, आपको भी अवगत कराऊंगा। लेकिन बार बार कहते रहे कि प्रश्न को स्थगित कीजिए, बार बार कहते रहे कि वो फर्जी है, वो गड़बड़ है। और जिस वेबसाइट का वो हवाला दे रहे थे वो वेबसाइट ग्रामीण विकास का वेबसाइट नहीं है, और आज भी जिसका हवाला वो दे रहे हैं वो ग्रामीण विकास का वेबसाइट नहीं है। और मैंने सदन को बताया है जो हमारा आधिकारिक वेबसाइट है narega.nic.in, यही हमारा प्राधिकृत, अधिकृत और प्रमाणित वेबसाइट है, इसी पर हमारे ग्रामीण विकास के सारे आंकड़े हैं।